हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग आसामी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे परवल की सब्ज़ी। ये देख रहे हैं सब्ज़ी कितनी टेस्टी लग रही है, कितनी यमी दिख रही है। इसे हम बहुत ही कम समय में बहुत ही कम मसालों के साथ बनाएंगे। इसके लिए मैंने देसी परवल लिया है। ये देखिए मेरे पास देसी परवल है। इसको हम अच्छे से छील लेंगे और छील के हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसको आप चाहे तो छोटे बड़े जिस साइज़ में आप चाहे उससे काट सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से काट लिया है दोस्तों, ऐसे दो दो बीच से चीर के और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इस तरह से हम इसको काट लेनी है। और परवल की सब्ज़ी ना दोस्तों बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली हूँ, उसमें डालूँगी सरसों का तेल। ये सब्ज़ी सरसों के तेल में बहुत ही अच्छी बनती है। आप और दूसरी कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हो, पर इसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और परवल की सब्ज़ी बिना आलू की कंप्लीट नहीं होती, इसलिए मैं इसमें आलू भी डाल रही हूँ, आलू और प्याज और मिर्च। सबसे पहले मैं इसमें जीरा का तड़का लगाऊंगी, फिर इसमें डालूंगी तेज़पत्ता और प्याज जो मैंने काट लिया था वो डालेंगे, और हरी मिर्चें भी साथ में डालेंगे। और इसको हम सुनहरा होने तक भूनेंगे। जब तक हमारा प्याज भूनना है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो ज़रूर से मेरा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारा प्याज भून चुका है। हमें प्याज इतना ही भूनना है। अब इसमें हम डालेंगे आलू, और आलू हम पहले डालेंगे, 2-3 मिनट पहले डालेंगे, क्योंकि आलू को थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है पकने के लिए परवल के मुकाबले। तो 2 मिनट जब आलू भुन जाए तब हम इसमें डालेंगे परवल। मैंने परवल को धो लिया है, ये देखिए दोस्तों, धो के मैं इसमें डाल दूँगी। आलू के साथ इकट्ठे डाल देंगे और इसको दोनों को एक साथ फ्राई करेंगे। इसको इकट्ठे ही फ्राई करना है, और इसको हम अभी ढकेंगे नहीं, इसे खुले खुले फ्राई करेंगे। अगर ढक देंगे तो इसमें पानी छोड़ देगा और ये अच्छे से फ्राई नहीं होगी, और हमें इसे खुला खुला ही बार बार बीच बीच में चलाते हुए इसको हमें फ्राई करना है लगभग 8 से 10 मिनट के लिए। 8-10 मिनट में हमारा परवल अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तब तक हम मसाले तैयार करते हैं। इसके लिए हम डालेंगे, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे इसमें, इसमें बस हम टमाटर लेंगे। मैंने एक टमाटर लिया, आप 2 भी ले सकते हो, मिर्ची और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ। अब हम इसे इकट्ठे पीस लेंगे, इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे। और देखिए दोस्तों, हम इसको ऐसा ही पेस्ट बनाना है इसको। ये देखिए हमारा परवल यहाँ पर भुन चुकी है, और 10 मिनट भुनने के बाद हमारा परवल कुछ इस तरह का दिखेगा। तब हमारा परवल भुन चुका है। आप इसमें अब मसाले ऐड कर, जो मैंने पीसा था ना पेस्ट, वो हम उसमें ऐड कर देंगे। ये पेस्ट डालने के बाद आप इसमें डालेंगे हम सूखे मसाले। सूखे मसाले में हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, जीरा और धनिया। ये सारे मसाले हम सूखे डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको भूनना है। ये देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है हमें। इसी तरह से आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। हम इसको ग्रेवी वाली भी सब्ज़ी बना सकते हैं, पर मुझे लगता है ये ग्रेवी से सूखी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। आज मैं इसको सूखी वाली बना रही हूँ। आप इसको पराठे के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसमें नमक डालेंगे। नमक हम बाद में डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे अगर नमक पहले डाल देते तो हमारी जो परवल और आलू है वो अच्छे से फ्राई नहीं होती, वो पानी छोड़ देती। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें इसको फ्राई करना है, और बीच बीच में चलाते रहिए। और जो मैंने मसाले वाला मसाले जो पीसा था उसमें से थोड़ा सा पानी डाल के और हल्का सा पानी डालेंगे। इसमें क्या होगा ना, मसाले हमारे अच्छे से भून जाएंगे और पक भी जाएंगे। इसमें ज़्यादा पानी हल्का सा धो के बस उसमें डाल दीजिए। मिक्सर ग्राइंडर में जो पानी था उसी से डाल दीजिए, बस इतना ही पानी हम डालेंगे। उसको ढक के हम 5 मिनट और कुक करेंगे। 5 मिनट बाद ये देखिए दोस्तों, हमारा सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, परवल की सूखी सब्ज़ी। इसे आप देखिए कितनी टेस्टी दिख रही है, ये कितनी यमी है, और कितने कम समय में और कितने कम सामग्री से मैंने इसे बनाया है। ये देखिए सो दोस्तों, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। आप इसे कैसे भी खाइए, रोटी चावल के साथ
वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।